हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर VFX और आपका स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में। आज हम कोशिश करेंगे लेयर मास्क के बारे में जितना जान सके उतना जानने का। ये ट्यूटोरियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अभी तक मैंने 47 ट्यूटोरियल बनाए हैं और उन ट्यूटोरियल में जो भी था वो एक लिमिटेड था। अगर आप सच में चाहते हैं कुछ अच्छा क्रिएट करना, बहुत अच्छा क्रिएट करना, तो आपको बेसिक क्लियर करना होगा फोटोशॉप का। और तो मैं इन कुछ पाँच छः वीडियो में, पिछले पाँच छः वीडियो और आने वाले दो तीन वीडियो में, मैं आपका बेसिक जो है वो पूरा क्लियर कर दूंगा ताकि हम अच्छा आर्टवर्क क्रिएट कर पाए। अगर मैं हर रोज़ आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर टूल के बारे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ अच्छा दिखा सकूँ। कुछ अच्छा दिखाने के लिए तो हमें थोड़ा स्पीड होना होगा, हमें बेसिक एटलीस्ट क्लियर करना होगा। तो ये हमें ट्यूटोरियल है मास्क के ऊपर, ताकि मास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। मास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसके बिना एक फोटोशॉप का एक फंडामेंटल जो है, एक कोर है फोटोशॉप, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मास्क नहीं होता तो फोटोशॉप में बहुत कुछ नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क काम करता है किसी भी चीज़ को लिमिट करने में, किसी चीज़ को रोकने में और किसी चीज़ को फैलाने में। अगर आपने कोई इफेक्ट डाला है, आप चाहते हो कहीं अप्लाई हो और कहीं नहीं अप्लाई हो, तो उसमें मास्क का काम करेगा। और मास्क का अच्छी बात यह है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होता। मतलब आप किसी लेवल में पहुंच जाए, आपको लगे कुछ ख़राब हो गया है और पीछे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बचेगा नहीं, आपके पास बहुत कुछ पोटेंशियल रहेगा वापस कुछ ख़राब हो गया तो ठीक करने का। तो चलिए हम आज मास्क को देखते हैं करीब से। और उससे पहले एक बात, मेरा ट्यूटोरियल नंबर 50 जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपको फोटोशॉप में कुछ भी नहीं आता है, वो ट्यूटोरियल अगर देखेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप फोटोशॉप में कुछ कर पाएंगे। तो ट्यूटोरियल नंबर 50 देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम पूरे फंडामेंटल को कवर करेंगे और हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम लेयर मास्क होता क्या है, काम कैसे करता है, देखते हैं। तो ये होता कहाँ पे है, लेयर में जाएंगे, लेयर मास्क यहाँ पे है। लेयर मास्क यहाँ पे मेन जो है दो ऑप्शन है, रिवील ऑल और हाइड ऑल, रिवील ऑल हाइड ऑल। पर हम यहाँ से नहीं जाते हैं, नीचे एक ऑप्शन है शॉर्टकट, इसका ज़्यादातर लोग इसी में काम करते हैं, तो हम लोग इसी में काम करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे ऐड लेयर मास्क, देख रहे हैं आप। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज के बगल में एक और ब्लैंक सॉलिड वाइट आ गया है। ये क्यों आया है, ये हमारा इमेज का मास्क है। इसके बीच में आप देखेंगे ये दोनों लिंक है एक दूसरे से। ये कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाइट है, वाइट। अगर आप लेयर मास्क को पूरा फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको ऑल्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे फुल स्क्रीन में दिखेगा। तो अभी आप एक बात नोटिस करें कि अगर वाइट है तो हर कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है अगर ब्लैक रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेयर मास्क को सेलेक्ट करेंगे और इसमें ब्लैक अप्लाई करेंगे। और तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। तो आप देखिए आपका अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ वाइट होता है वो एरिया दिखता है और जहाँ ब्लैक होता है वो एरिया नहीं दिखता है। तो हम फिर से इसे वाइट करते हैं। अब बात ये हुआ, अब हम कोई ब्रश लेते हैं और यहाँ पे जो इसका लेयर मास्क है उसे फुल स्क्रीन करते हैं, ऑल्ट क्लिक। इसके बाद अगर हम शायद जहाँ जहाँ ब्लैक पेंट करेंगे, मैं एक ब्रश ले लेता हूँ, रैंडम ब्रश, कोई भी ब्रश ले लें और कहेंगे मैं ब्लैक पेंट करूँगा। ब्लैक लेने के लिए यहाँ से मैं ब्लैक ले लेता हूँ। आपको बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका शॉर्टकट है डी से, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ऊपर, मतलब फोरग्राउंड में वाइट और बैकग्राउंड में ब्लैक। और एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपस में एक्सचेंज होगा। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लैक लेगा और यहाँ पे कहीं कहीं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एक क्लिक यहाँ किया, फिर उसके पास एक क्लिक किया। ऐसा कुछ रैंडम मैंने कुछ बना लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम जाएंगे अपना इमेज में, देखते हुआ क्या है। तो आप देखिए कहीं कहीं मैं इसके नीचे एक ब्लैक इमेज लेता हूँ ताकि मुझे दिखे क्या हो रहा है। तो आप देखिए कहीं कहीं इमेज है और कहीं कहीं इमेज नहीं है। तो इतना समझ आ गया कि जहाँ ब्लैक रहेगा वहाँ पे इमेज नहीं रहेगा, जहाँ वाइट रहेगा वहाँ पे इमेज आपका रहेगा। अब मैं इसे फिर से पूरा वाइट कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। मैं फोरग्राउंड को अप्लाई करने के लिए प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ये तो हो गया। अब मैं काम करता हूँ इस लेयर को, अब मुझे इस लेयर को डिलीट करना है, मुझे चाहिए नहीं, अब मुझे हटाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, डिलीट लेयर मास्क, अब वो हट गया। अब इसके बाद हम इसका कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे, मैंने कॉपी बनाया। अब इसको हम डिसेचुएट करेंगे,
मतलब इसका कलर को हटाएंगे, तो इसको डिसेट करने का तरीका है जिसमें जाए पी सेचुएट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल यू जो शॉर्टकट है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये देखिए पूरा ब्लैक एंड वाइट है। अब मैं इसमें एक मास्क अप्लाई करूँगा, इसमें एक मास्क आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाला ग्लास हो उसमें ये जो इफेक्ट है मतलब ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट है अप्लाई ना हो, मतलब उससे हमको सी थ्रू पीछे चीज़ देखना है। अब वो वहाँ से उसको हाइड कर देना है, मतलब वहाँ से उसको रिवील करना है, उसके हमको पीछे देखना है, तो हमको ब्लैक को पेंट करना होगा। तो एक ब्रश ले लेता हूँ जिससे पेंट करने में ईजी पड़े मुझे, हार्डनेस थोड़ा कम करता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं जूम करके पेंट करूँगा तो आप देखेंगे होगा क्या। जैसे मैं यहाँ पे इसे इस तरह से पेंट करना शुरू कर रहा हूँ, अगर गलती से आप बाहर निकल जाते हैं थोड़ा सा, देखिए मैं यहाँ गलती हो गया है, मैं यहाँ बाहर आ गया, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे आप वापस वाइट पेंट कर सकते हैं। वाइट वाइट पेंट करने के लिए मैं एक्स प्रेस करूँगा ताकि ये आपस में एक्सचेंज हो जाए, और यहाँ से फिर मैं इसे ठीक कर लूँगा। जहाँ गलती हो उसे ठीक किया जा सकता है, मास्क में यही अच्छी बात है। फिर मुझे ब्लैक चाहिए, फिर मैं एक्सप्रेस करूँगा और फिर यहाँ ब्लैक लेके फिर यहाँ पेंट करना शुरू कर दूँगा। तो ये मैंने पेंट कर लिया। अब आप देखेंगे कि मास्क का हालत क्या है। मास्क अभी देखिए, मास्क ऐसा है, यहाँ मैं ठीक कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसे हटाना होगा, तो यहाँ वाइट पेंट करना होगा, मैं फिर एक्सप्रेस करके वहाँ वाइट पेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा है कि ये जहाँ अभी से मैं नीचे लगा हाइड करूँगा तो दिखेगा आपको कि हुआ ये है कि बीच में जहाँ मैंने ब्लैक कलर किया पेंट किया वहाँ पर वो हट गया है, और जहाँ पर वो वाइट है वहाँ पर वो है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यही चीज़ आप दूसरे तरह देख सकते हैं, इससे मैं अब डिलीट करता हूँ, इसका मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे नीचे में एडजस्टमेंट लेयर जो है, बहुत सारे एडजस्टमेंट लेयर है, इससे मैं एक लेयर लूँगा, इससे मैं कुछ लेता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ ह्यू एंड सेचुरेशन मैंने यहाँ लिया। तो देखिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर सब है जो यहाँ भी है, आपको अगर आपका बंद है यहाँ पे तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ एडजस्टमेंट को ऑन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इस एरिया में, यहाँ पे वो हमेशा रहता है इस एरिया में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ इसके पास ऑटोमेटिकली एक एडजस्टमेंट लेयर पहले से है, यहाँ पे हर चीज़ के पास एक लेयर मास्क पहले से होता है। तो अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये मैं चेंज किया है, पर अब मैं चाहता नहीं था कि ये इस ग्लास में अप्लाई हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ब्लैक को पेंट करना होगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा सिंपल, और यहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक पेंट करना शुरू करूँगा। सॉरी ब्लैक नहीं था, ये वाइट लिया मैंने, तो मैं अभी एक्सप्रेस करूँगा, एक्सप्रेस करने से एक्सचेंज हो जाएगा आपस में एक्स। मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, आप जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे मुझे पता है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्लास को मैंने पेंट कर दिया तो वो इफेक्ट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी सब में है वो अप्लाई हो रहा है, ये दिखेगा नहीं आपको, वो सिर्फ बाकी में अप्लाई हो रहा है, बस इस ग्लास में अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका मास्क है, जहाँ पे वो मास्क है उसे वहाँ से हटना पड़ता है। तो इस तरह से ये लेयर मास्क काम करता है। ये तो हो गया, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं इसका और एक कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल जे। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगा, फिर से एक बार ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट डिसैचुरेट, और इसमें मैं एक मास्क ऐड करूँगा, लेयर मास्क रिवील ऑल, आप यहाँ से कर सकते हैं, वही शॉर्टकट है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ मैं एक ग्रेडियंट डालूँगा, ग्रेडियंट लेता हूँ, ये मुझे पसंद है, ये ग्रेडियंट मुझे पसंद है, इसे लेता हूँ, और लेयर मास्क में मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ ग्रेडियंट डाला। तो आप देखिए जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है इमेज ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। फिर से एक बार बनाना चाहता हूँ, तो अब देखें मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाया है, तो मतलब जहाँ जैसे जैसे इमेज नीचे आ रहा है वो धीरे धीरे कलर होते जा रहा है, तो ये ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे जो लिंक है वो क्या काम करता है दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ लिंक ऑन है और मैं इस पर मूव करता हूँ, तो देखिए कैसा मूव हो रहा है, वो इस तरह से मूव हो रहा है। अब मैं इसको लिंक को हटाता हूँ और फिर मूव करता हूँ,
तो देखिए इसका मास्क अलग हो गया है, मतलब अगर ये लिंक ऑन रहेगा तो दोनों एक साथ मूव होगा, आपका पूरा इमेज एक साथ मूव हो रहा है, पर मैं जब लिंक को हटा दूंगा मास्क अपना सेपरेट हो जाएगा, वो सेपरेटली मूव करेगा, ऊपर नीचे अपना सेपरेटली हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से लेयर मास्क काम करता है, और बहुत सारे इफेक्ट्स है जो इसे बना सकते हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर इफेक्ट कर सकते हैं। आपने एक बात गौर किया कि वाइट डालने से दिखता है, ब्लैक डालने से नहीं दिखता है। अगर हम ग्रे डालें तो क्या होगा, वाइट और ब्लैक के बीच में जो कलर होता है, ये अगर वाइट है और यहाँ अगर ब्लैक है, तो बीच में जो ग्रे, ग्रे का परफेक्ट वैल्यू होता है, परफेक्ट ग्रे जो होता है वो होता है 1:8, 1:8 और 1:8। जैसे HSV में देखिए, HS जो रहेगा 0:0 रहेगा और B जो रहेगा वो 50 रहेगा, ये होता है परफेक्ट ग्रे। अब मैं यहाँ ग्रे को पेंट करता हूँ, देखिए क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, देखता हूँ क्या होता है। अब ये ब्रश लिया मैंने और यहाँ ग्रे को मैं धीरे करके पेंट करूँगा, तो क्या होगा देखता हूँ। तो देखिए इमेज जो है हाइड हो रहा है पर पूरा नहीं हो रहा है, इमेज दिख रहा है पर पूरा नहीं दिख रहा है, वो कुछ बीच में आ गया है, हाइड और रिवील के बीच में आ गया है वो, मतलब ग्रे मतलब ना पूरा दिखेगा ना पूरा गायब होगा। तो ये ग्रे काम करता है। आप अगर आप दूसरा एक खोल के, कोई डॉक्यूमेंट खोल के ऐसे करके इसका साइज कुछ भी रख ले छोटा सा कुछ, यहाँ पे आप कुछ बनाएंगे, जैसे कुछ बनाएंगे आप कुछ भी आर्टवर्क बनाएंगे ब्लैक एंड वाइट में, आपको यहाँ ब्लैक एंड वाइट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ ब्रश लेंगे कोई सुंदर सा ब्रश, छोटा करता हूँ थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा ब्लैक लेता हूँ और इसे इस तरह से क्लिक करता हूँ, एक साथ बहुत सारा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ मैंने कुछ ये पूरा ब्लैक वाइट और ग्रे को मिला के बनाया है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको मर्ज करता हूँ, कंट्रोल ई, ये मर्ज हो गया। अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ या इसका मास्क में इसे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसे अलग से खोल लूँगा, मैं मास्क को अलग से खोल लिया, ऑल्ट क्लिक करके मास्क मेरा अलग से खुल गया है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने इसे पेस्ट किया, छोटा कर लेता थोड़ा सा, ये बड़ा है, छोटा कर लिया। इसका इफेक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, बस ये एक्सपेरिमेंटल है, आप देखिए क्या हुआ इसका इफेक्ट, कि कहीं कहीं वो हट गया है। अब मैं इसे इन्वर्स करता हूँ, यहाँ पे इसको इन्वर्स करता हूँ, कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, तो जहाँ ब्लैक था वहाँ वाइट हो जाएगा, जहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं कहीं बोतल है और कहीं कहीं वो सब गायब हो गया है, पीछे एक बैकग्राउंड देता हूँ। तो इस तरह से काम करता है, आप अभी भी इसके ऊपर फिर से वो पेंट कर सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं और अभी पेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ जा सके देख सकते हैं ऐसा कुछ, इससे आप बहुत सारे ग्राफिक बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्राफिक बना सकते हैं इसमें, इसमें आप काम में लाए और आप बहुत अच्छी चीज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था ट्यूटोरियल आज का, नेक्स्ट ट्यूटोरियल फिर मुलाकात होगी, अभी मैं कुछ बेसिक्स में ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ताकि हमें आगे जाके अच्छे अच्छे आर्टवर्क बना सकूँ, बहुत बड़े बड़े आर्टवर्क बनाने हैं हमें, साथ मिलकर काम करना है। तो हमारा ट्यूटोरियल देखते रहे और ट्यूटोरियल नंबर 50 देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।